प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 19 का 1-10 वचन लेकर आई हूँ, चुंगी लेने वाला जक्कई। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु यरियो में प्रवेश करते हुए वहां से जा रहे थे। तब वहां जक्कई नामक एक मनुष्य रहा करता था, तो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी भी। चुंगी लेने वाले अर्थात टैक्स कलेक्टर, जो लोगों से अधिक पैसा वसूलते थे, जक्कई उनका हेड था। और बाइबल दर्शाती है कि वह धनी भी था। धनी होना तो स्वाभाविक ही था उसका। जब वह लोगों से अधिक पैसा वसूलेगा तो वह धनी बन ही जाएगा। परंतु ध्यान दे भाइयों बहनों यहाँ कि यह धन उसकी ईमानदारी की कमाई का नहीं था, वरन पाप से कमाई हुई कमाई का था, जिसका कोई लाभ नहीं। तब आगे हम देखते हैं कि बाइबल यहाँ दर्शाती है कि वह अर्थात जक्कई यीशु प्रभु को देखना चाहता था कि वह कौन है। स्वाभाविक है यहाँ कि जक्कई ने पहले से ही यीशु प्रभु के विषय में सुन रखा होगा, इसीलिए जब प्रभु वहाँ से गुजर रहे थे तो जक्कई उन्हें देखना चाहता था। यहाँ उसकी यीशु को देखने की तीव्र इच्छा के विषय हम जानेंगे तथा देखेंगे। जक्कई एक नाटा व्यक्ति था और जब प्रभु वहाँ आए तो भीड़ के कारण जक्कई उन्हें देख ना पाया, क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम थी और वह भीड़ में पीछे ही रह गया था। तब जक्कई ने यीशु को देखने की इच्छा में एक योजना बनाई और वह उस भीड़ से अलग दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि प्रभु यीशु उसी मार्ग से आगे जाने वाले थे। यह सीखने व समझने की बात यह है मेरे प्रियो कि जक्कई चाहे चुंगी लेने वाला ही एक मनुष्य था, परंतु कहीं ना कहीं वह प्रभु यीशु को देखना चाहता था। उनसे मिलने की इच्छा उस जक्कई के मन में सदा से थी। इसी इच्छा के चलते वह अपने नाटेपन को भी ध्यान न देते हुए पेड़ पर चढ़ गया। नाटापन उसकी एक खामी थी उसके लिए, वह एक नेगेटिव थॉट थी उसके लिए। फिर भी उससे वह हारा नहीं कि मैं तो नाटा हूँ, मैं कैसे यीशु को भीड़ में देख पाऊँगा। उस कमी को पीछे करते हुए, उस पर विजय पाते हुए भी उसने यीशु को देखने की इच्छा अपने मन में रखी थी तथा दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया, जिससे वह आसानी से प्रभु को देखने भी पाया। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवनों में भी बहुत सी कमियां होती हैं तथा बुराइयां होती हैं, जिसमें फंसकर हम उन्हीं के गुलाम बन जाते हैं तथा परमेश्वर को पाने की कोई चाहत ही फिर हमारे जीवन में बची नहीं रहती। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जक्कई चुंगी लेने वाला जरूर था, जो कि एक गलत व्यवसाय है, परंतु फिर भी उसके जीवन में परमेश्वर को पाने की एक इच्छा थी तथा उसकी कमी भी उसे रोक नहीं पाई, अर्थात उसका नाटापन। हमें भी अपने कमियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, अर्थात उन कमियों में रहकर भी उन पर जीत हासिल करनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पहचान पाएंगे और निरंतर हमें परमेश्वर की खोज में रहना चाहिए। तब आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जक्कई पेड़ पर चढ़ा था, तब प्रभु यीशु ने उस पर दृष्टि की, अर्थात अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और जक्कई से कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और फिर वह तुरंत उतरकर आनंद से भरा प्रभु को अपने घर ले गया। हालेलुया। क्या देखते हैं हम यहाँ इस वचन में कि जक्कई की यीशु से मिलने की चाहत ने, उसकी इस इच्छा ने यीशु की दृष्टि को, उसकी नज़र को भी अपनी ओर फेर ही लिया। कहाँ भीड़ में वह यीशु को देख भी नहीं पा रहा था और कहाँ फिर यीशु ने भीड़ से हटकर खुद अपनी दृष्टि उस पर की तथा फिर उसके घर जाने की बात कही। और एक बात ध्यान देने वाली यह भी है यहाँ कि यीशु प्रभु ने जक्कई को उसके नाम से पुकारा, कहा
कि हे जक्कई नीचे उतर आ, वह कैसे उसे उसके नाम से जानता था? क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु सर्वज्ञानी है, वह मनुष्यों को उसके नाम से और उसके हृदय से पहचानता है, वह हमें भी हमारे नाम ही से जानता है, जैसे उसने जक्कई को भी उसके नाम से पुकारा। क्या अद्भुत हुआ यहाँ! केवल और केवल हृदय में परमेश्वर को पाने की चाहत रखकर, जो जक्कई के मन में सदा से थी, चाहे वह बुराई के कामों में फंसा था और एक कमी के साथ अर्थात नाटेपन के साथ जी रहा था, जो उसके लिए एक नकारात्मक शर्मनाक सोच थी, परंतु वह उस थॉट में गिरा नहीं, डिप्रेस्ड नहीं हुआ, परंतु उस पर विजय पाई। कभी कभी मेरे प्रियो, बहुत से मनुष्य अपनी कमियों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं तथा उसके विषय गंभीर सोच रखते हैं, जो फिर उन्हें डिप्रेशन में ले जाती है, परंतु यह एक गलत विचारधारा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर कमी और खामियों में जीवन का आनंद ढूंढना चाहिए और उसमें भी अपने लिए विजय का मार्ग तैयार करना चाहिए। बस हृदय में सच्ची चाहत होना चाहिए, जैसे जक्कई में भी थी। तब आगे हम देखते हैं कि जो भीड़ उस स्थान पर खड़ी थी, वह यह सब देखकर कुड़कुड़ाने लगी और कहने लगी कि वह तो एक पापी मनुष्य के साथ जा रहा है, अर्थात वह यीशु के विषय बोल रहे थे कि वह पापी मनुष्य अर्थात जक्कई के घर में क्यों जा रहा है। अक्सर हम अपने जीवनों में भी देखते हैं भाइयों बहनों, कि जब कोई मनुष्य पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर फिरना चाहता है या परमेश्वर उस पर अपनी दया बरसाता है, तो संसार के मनुष्यों को यह सब देखकर भी तकलीफ होती है, जलन होती है। फिर वह उसके विषय और उसके परमेश्वर के विषय संदेह से और बुराई से भरे कटाक्ष करते हैं। दूसरों के आशीष और उद्धार से उन्हें जलन होती है, क्योंकि संसार का हाकिम अर्थात शैतान उनके मनों में राज किए बैठा होता है, और उससे छुटकारा उनका तभी हो सकता है जब वह पूरी तरह यीशु पर विश्वास करे और मन फिराए, नहीं तो वह जलन की और ईर्ष्या की भावना से भरा रहता है, जैसा दृश्य वहां उस घड़ी उस भीड़ के लोगों में हम देखते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि तब वहां जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो मैं उसे चौगुना लौटा देता हूँ। हालेलुया! ये कैसा अद्भुत हुआ यहाँ! जो मनुष्य अब तक ओवर टैक्स वसूलता था लोगों से, वह कहता है कि मैं कंगालों में अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा, तथा जिसका अन्याय से अर्थात गलत तरीके से ओवर टैक्स वसूला है, उसे भी चौगुना दे दूंगा। यह है हमारे परमेश्वर का कार्य, जो यहाँ जक्कई के जीवन में होते हुए हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु यीशु आ जाए, वहाँ फिर पाप का और शैतान के राज्य का अंत होना तो स्वाभाविक ही है, बशर्ते उसे पूरे मन से स्वीकार करना तथा हृदय में उसके मार्गों पर चलने की इच्छा रखना आवश्यक है। फिर चाहे पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, झट से अपना रुख फेर लेता है। जैसे जक्कई के जीवन से भी पाप की कमाई का रुख बदल गया, तथा जक्कई का भी हृदय परिवर्तन हुआ और उसने पाप से कमाया हुआ धन वापस कंगालों में बांट दिया, क्योंकि उसने अपने मन में यीशु को देखने की, उसको पाने की तीव्र इच्छा रखी थी। और बाइबल तो दर्शाती ही है मेरे प्रियो, कि ढूंढोगे तो पाओगे। जक्कई ने यीशु को ढूंढा भी और पाया भी। वह बुराई में फंसा तो जरूर था, परंतु उसका हृदय भीतर से परमेश्वर को खोज रहा था, उसको पाने की चाह थी उसमें। तभी शीघ्र ही यीशु के उसके जीवन में आते ही, उसके हृदय रूपी घर में आते ही उसका जीवन बदल गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बुराई छोड़ दी। आज बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मसीहत धर्म बदलती है, लेकिन यहाँ इस वचन में यह सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में आते हैं, वह धर्म नहीं, उसका हृदय बदल देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने आगे कहा भी कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है और अब्राहम के सभी वंशजों का उद्धार आवश्यक है, ऐसा बाइबल दर्शाती है। और हम भी अब्राहम के वंशज ही हैं, तो हमें भी मन फिराव की
उद्धार की आवश्यकता है और इसके लिए सबसे अधिक अपने हृदय में परमेश्वर को पाने की, उसको स्वीकार करने की इच्छा को रखना आवश्यक है। आगे वचन में प्रभु ने कहा भी कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। खोए हुए कौन है भाइयों बहनों? खोए हुए हैं वह मनुष्य जो संसार के किसी भी पाप की गुलामी में फंस गए तथा अब निकल नहीं पा रहे हैं और किसी भी खामी को अपने अंदर लिए जी रहे हैं, परंतु उस पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो आज प्रभु उनके लिए कहता है कि वह उन सभी खोए हुओं को ढूंढने तथा उनका उद्धार करने आया है। कोई भी पाप, कोई भी संसारिक बुराई परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती, बस उससे मन फिराने की चाहत होनी आवश्यक है। जैसे जकई में कहीं ना कहीं थी, तभी वह उद्धार को प्राप्त कर पाया। तो आइए भाइयों बहनों, हम जांचे इस वचन से खुद को, और यदि कोई हमारी दृष्टि में ऐसा मनुष्य हो तो उसे भी, कि कहीं कोई पाप की गुलामी में तो नहीं जी रहा और एक नेगेटिव थॉट का गुलाम तो नहीं है। और यदि ऐसा है तो आज ही से अपने हृदय में परमेश्वर को पुकारें, उसको पाने की इच्छा को जागृत करें और फिर देखें कैसे परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर फिरती है तथा वह आपके घर में अर्थात आपके हृदय में अपना स्थान बनाता है और आपको एक सच्ची शांति तथा आनंद प्रदान करता है जो आपको किसी भी संसारिक धन से, कमाई से नहीं मिल पाएगी। जैसे जकई के जीवन में धन तो था, परंतु सच्ची शांति और आनंद और मन फिराव नहीं था जो प्रभु यीशु के उसके घर में आने के पश्चात उसे मिला। शांति भी, आनंद भी और अनंतकालीन उद्धार भी, जिसने उसका जीवन ही बदल दिया, क्योंकि उसके मन में यीशु को देखने की, उसे पाने की इच्छा थी। तो आज हमें भी उस इच्छा को, उस प्यास को अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है, फिर हम भी अपना सच्चा उद्धार पा सकेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा बढ़ता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस वचन को पाकर आशीष प्राप्त करें, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।